तैयार हो इन ब्रिक्स को अपने अपने स्लॉट में फिट करने के लिए? यस, ब्रिंग इट ऑन। रेड ब्रिक्स रेड वॉल में जाकर फिट हो गए और येलो ब्रिक्स येलो वॉल में जाकर फिट हो गए। किक मार के ऐसा निशाना लगाने को वन वर्ड में कहते हैं परफेक्ट एम। परफेक्ट नहीं, सुपर से ऊपर डुपर वाला परफेक्ट। इसी बात पे कुछ परफेक्ट राउंड वेफर्स खा लेता हूँ। मगर किको, इस पूरी प्रैक्टिस का पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है ट्विंकल और डोडो, किक्स में पावर होती है उतनी ही इम्पोर्टेंट प्रिसिजन भी, यानी कि अचूक निशाना। और हर बार किक किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए यूज हो सकती है। बिल्कुल ठीक। मोरी मोरी मदर, वो क्या है? R7 ब्लिंक कर रही है और झरने का पानी भी गुलाबी हो गया है। जरूर कोई प्रॉब्लम है। इन्वेस्टिगेशन के लिए सुपर स्पीडो को बुलाता हूँ। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। वाओ, इतना पिंक पानी, मजा आ रहा है। सुपर स्पीडो, ये मजे की नहीं चिंता की बात है। हमें इस पिंक पानी को इन्वेस्टिगेट करना होगा। फॉर्मूला नंबर 14 लगाओ। ओके किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 14। इस पानी में बहुत अजीब से बैक्टीरिया है जिन्हें मैंने आज तक नहीं देखे। किको, मुझे लगता है किसी ने ये बैक्टीरिया पानी में मिलाए हैं। कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। हमें फौरन डॉक्टर आविष्कार सेन अंकल को इस बारे में बताना होगा। हो सकता है कि उन्हें इस बैक्टीरिया के बारे में कुछ पता हो। सुपर स्पीडो, चलो डॉक्टर सेन की लैब में चलते हैं। ओके ब्रो, लेट्स गो। ये पिंक पानी क्या है रोल नंबर 4? पता नहीं रोल नंबर 20, शायद कोई मैजिक ड्रिंक हो। मैजिक ड्रिंक? शायद ये ड्रिंक पीकर हम में कोई पावर आ जाए। चलो पीते हैं, शायद कोई जादुई शक्तियाँ हम में आ जाए। लाइफ में पहली बार तुमने अकल का काम किया है। अकल का काम हमने? हाँ, ये मैजिक ड्रिंक लाकर मैंने सब सुन लिया है। और ये मैजिक ड्रिंक तुम नहीं, मैं पीऊंगा। अच्छा हुआ ये किको यहाँ आ गया। इस मैजिक ड्रिंक को पी के आज इसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। टोनी, ये क्या हुआ तुम्हें? मैजिक ड्रिंक ने ला दी है मुसीबत बड़ी। टोनी बॉस की हो गई है खटिया खड़ी। ओरी मोरी मदर, ये बोतल में तो पिंक पानी है। सुपर स्पीडो, टोनी की हालत ठीक नहीं लग रही, क्या तुम प्लीज उसे हॉस्पिटल ले जा सकते हो? श्योर ब्रो। मैं, ट्विंकल और डोडो इस बोतल का सैंपल लेकर डॉक्टर आविष्कार सेन अंकल के पास जाते हैं। रुकिए। उरे बाबा, स्टॉप ही करना था तो ये शरबत दिया ही क्यों? ये शरबत बिल्कुल नहीं है। आप भूल गए कि इस पानी को आपको चेक करना है, पीना नहीं है। इसी को पीने से टोनी को भी क्रैम्स आ गए। उड़ी बाबा, अच्छा अभी याद आया, नहीं तो अभी गोंडोगोल हो जाता। उड़ी बाबा, इस पानी में तो बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है। ऐसा बैक्टीरिया तो हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। मतलब ये पानी पीने लायक नहीं है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया की मिलावट है। इसे वन वर्ड में कहते हैं
contaminated. उबलती हुई छाछनी में कौवे ने अपनी चोंच से बेकिंग पाउडर का तड़का लगा दिया। वाह सर, क्या बात कही है, नोट पैड में नोट कर लेता हूँ। पर जूनियर जासूस अंकल, पहले उसका मतलब तो बताइए। झटपट सर कह रहे हैं कि सन सिटी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से भी पानी पिंक आ रहा है। मोरी मोरी मदर, फिर तो पीने के लिए साफ पानी ही नहीं बचेगा। डॉक्टर आविष्कार सेन अंकल, आपको कोई भी आइडिया इस बैक्टीरिया के बारे में और इस पानी को कैसे ठीक किया जा सकता है? मोरी बाबा, याद आया, इस बैक्टीरिया को वाटर एक्स नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था और इसका एंटीडोट हमने वाटर एक्स के साथ ही बनाया है। अरे वाह, फिर तो सारा पानी ठीक हो जाएगा। कहाँ है वो एंटीडोट? ये तो गंडोगुल है, वही तो याद नहीं आ रहा है। सन सिटी का मेन वाटर सोर्स है सन सिटी की रिवर, इसका मतलब अगला अटैक वही होगा। हमें वहाँ तुरंत जाना चाहिए। अयो अयो, पूरे सिटी का पानी पिंक हो गया जी, अब बस ये रिवर ही बचा है जी। ईश, मेरे रहते हुए यहाँ कोई पानी में बैक्टीरिया डालने की सोच भी नहीं सकता। हा, 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 हा। थैंक गॉड, अभी तक पानी ठीक है। हाँ, पर वाटर एग जरूर यहाँ पानी में बैक्टीरिया की मिलावट करने आएगा। वाटर एक्स लाएगा मुसीबत पड़ी। अगर तुम सन सिटी के पानी को है बचाना तो ढेर सारा पैसा लेकर मेरे पास आना। अयो, तुमका अब भी मैं सबक सिखाता जी। तो क्या सोचा मैं, पैसा लाओगे या पानी में बैक्टीरिया की मिलावट कर दूं? फिर न पीने को पानी होगा नहाने को, पानी के लिए मचेगा हाहाकार। वाटर एक्स की यही है ललकार। हम कैसे मान ले कि आप पानी को ठीक कर सकते हो? स्मार्ट गर्ल। तो मैं तुमको जो भी चाहिए ले लो, बट पानी को ठीक कर दो। एंड प्लीज अटैक मत करना, मुझे डर लग रहा है। मम्मी बचाओ। वाटर एक्स, तुम जो पानी कंटामिनेट कर रहे हो वो रॉन्ग है। ऐसा करने से लोगों के पास पीने को पानी ही नहीं होगा, तो तुम प्लीज एंटीडोट से पानी ठीक कर दो। बात तो कही है तुमने सही, बट ये काम करेगी मुझ पे नहीं। किको राइट के लिए रॉन्ग से फाइट करने के लिए हमेशा तैयार है। ठीक है किको, बचा लो अपनी सन सिटी को फिर। मैं चला, पानी की कर दूं खटिया खड़ी। वाटर एक्स लाएगा मुसीबत पड़ी। डोंट वरी, मैं एंटीडोट लेकर आता हूँ। बड़ी, जल्दी से वाटर एक्स का पीछा करो। एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 7। ओके ब्रो, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 7। हमें वाटर एक्स को पकड़ना ही होगा ताकि हम उससे वो एंटीडोट ले सके। एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 102। ओके डूड, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 102। डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास में मैंने पढ़ा था कि वर्लपूल्स गहराई में कमजोर होते हैं,
सुपर स्पीडो, जल्दी से नीचे की तरफ चलो। ओके। ये वाटर एक्स कहाँ गया? यही नीचे ही होगा, एक बार और नीचे देख के आते हैं। वाटर एक्स तो कहीं नहीं है, अब क्या करें किको? हम सनसिटी रिवर में वाटर एक्स का पीछा कर रहे थे और ये रिवर जाके सी में मिलती है। इसका मतलब समझ गए सुपर स्पीडो? समझ गया बड़ी, वाटर एक्स अभी समंदर में चला गया है। इतने बड़े समुद्र में वाटर एक्स को कैसे ढूंढेंगे? सुपर स्पीडो, एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 110। ऑलराइट किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 110। सिग्नल आगे से आ रहा है, तो फिर हमें वहीं चलना चाहिए। हाँ? तो एक मॉन्स्टर वेव है, एक वॉल की तरह। जरूर वाटर एक्सिस वेव के पीछे होगा। बट ये बहुत बड़ी वेव है, इसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक तो तुमको तुम्हारा कॉन्फिडेंस लाया, मगर बच के कोई मुझसे निकल नहीं पाया। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 47। ओके बड़ी। किको, मेरे सिस्टम जाम हो रहे हैं, हमें जल्दी इस तूफान से निकलना होगा। Quick, formula number 1, 2, 3. All right, Kiko, activating formula 1, 2, 3. सोचते हैं कि मुझसे बच के निकल जाएंगे। पानी की कर दूं खटिया खड़ी, वाटर एक्स लाएगा मुसीबत बड़ी। इतनी जल्दी नहीं, अभी तो फाइट बाकी है। ठीक है, तुम मच्छरों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सिटी को बचाने चले थे, पहले खुद को तो बचा लो। पानी की कर दूं खटिया खड़ी, वाटर एक्स लाएगा मुसीबत बड़ी। पानी का रंग तो देखो, पता नहीं अचानक ऐसे कैसे हो गया। जल्दी कुछ करना होगा। सही कहा आपने, हमें वाकई कुछ करना होगा। मुझसे और नहीं वीडूरा, ये जैसा भी पानी है मैं इसको पी रहा हूँ। नहीं डोडो, किको हमारे और पूरी सनसिटी के लिए ही वाटर एक्स से एंटीडोट लेने गया है। बट वो टाइम से नहीं आया तो? किको जल्द ही एंटीडोट लेके आएगा, क्योंकि वो राइट है और रॉन्ग कभी राइट को हरा नहीं सकता। हमें जो रखना चाहिए उसे वन वर्ड में कहते हैं पेशेंस। सारे सिस्टम धीरे धीरे खराब हो रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं इसे कितने देर तक झेल पाऊंगा। अब बस एक ही सलूशन बचा है, फॉर्मूला नंबर 12। ओके ब्रो, अप्लाई फॉर्मूला 12। तुम
हो ना बड़ी? Yes, bro, I'm all right. तुम्हारा गेम अब खत्म हो गया है वाटर एक्स, अब चुपचाप वो एंटीडोट मुझे दे दो। बच्चे, तूने भले ही दे दी मुझे पहली बार, मगर ये एंटीडोट नहीं आएगा तेरे हाथ। वाओ कीको, ये एंटीडोट का पाउच तो बहुत सेफली मेरे पास आ गया। थैंक्स सुपर स्पीडो, हर बार किक किसी को मारने के लिए नहीं बट कुछ बचाने के लिए भी यूज हो सकती है। प्रिसिशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी पावर। यू आर राइट बड़ी, यू आर अ स्टार। लड़ाई करने से अब कोई फायदा नहीं है वाटर एक्स, एंटीडोट अब मेरे पास है। बट वो अब किसी काम का नहीं रहेगा। मैंने एंटीडोट में टाइमर लगाया हुआ है जो इस एंटीडोट को 2 मिनट में सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देगा। फिर ना पीने को पानी होगा ना नहाने को। पानी के लिए मचेगा हाहाकार, वाटर एक्स की यही है ललकार। सुपर स्पीडो, हमें किसी भी तरह इस एंटीडोट को सिटी की सभी वाटर सोर्सेस पे स्प्रिंकल करना होगा। स्प्रिंकल तो तब करोगे जब अपनी सन सिटी को बचा पाओगे। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 47। ओके। जिसे क्रिमिनल्स अपनी विंडो शट शट करते हैं, उस महान जासूस को झटपट कहते हैं। सर वो ठीक है, पर आपको नहीं लगता हम वाटर एक्स को ढूंढते-ढूंढते फिर गलत डायरेक्शन में आ गए? खामोश, हम जिस भी डायरेक्शन जाते हैं वो डायरेक्शन अपने आप ठीक हो जाता है। यहाँ गिरने के बाद भी हंस क्यों रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। जीत के भी जाओगे तुम सब हार जब सब पड़ जाएंगे मेरे बैक्टीरिया से बीमार। तुम कहना क्या चाहते हो? इस पानी को ठीक करने वाला एंटीडोट अभी से ठीक 60 सेकंड्स में सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। अयो अयो, अब हम सब का क्या होगा जी? 60 सेकंड में पूरा सन सिटी में कैसे एंटीडोट स्प्रिंकल होगा जी? ईश, मम्मी बचाओ। डोंट वरी टेम्पोलो, मैं अभी सुपर स्पीडो के साथ इस एंटीडोट को हर जगह स्प्रिंकल कर दूंगा। तरबूज के सड़े बीज के छिलके पे भिन भिनाती मक्खी को चुलबुली चुड़ैल ने जार में बंद कर दिया। वाह सर, क्या बात कही है, नोट पैड में नोट कर लेता हूँ।
मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। थैंक यू किको, तुम्हारी वजह से मेरा टाइम पर इलाज हुआ और मैं ठीक भी हो गया, और सनसिटी का गुलाबी पानी भी। यस किको, तुमने एक बार फिर से प्रूफ कर दिया कि राइट कभी रॉन्ग से नहीं हार सकता। अगर वन वर्ड में बोलूं तो यू आर ऑसम।